उनकी कुफिया इबादत जाहिर है, देवबंदियों का उन्होंने तौबा नहीं की है, और जो उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है तर्जुमे हाँ। की बिना बरवा का भी है। हाँ ऐसा, अरे वाह बहुत खतरनाक तहकीक है आपकी। क्या तर्जुमा किया इब्राहिम भाई जी? क्या तर्जुमा किया है उन्होंने? तर्जुमा है, अब मैं तुमसे ही पूछता हूँ, चलो मैं पूछूँ इसका जवाब दो। आप पूछो मत ना, खाली बोलो ना तर्जुमा कहाँ है बोलो ना इब्राहिम भाई। तर्जुमे में कोई लिखे हाँ? कि अभी तक अल्लाह तबारक व तआला ने मालूम ही नहीं किया हाँ? कि जिहाद करने वाला कौन है, वाला सब्र करने वाला कौन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मालूम नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम नहीं है क्या? अल्लाह तआला ने मालूम नहीं किया, अभी तक मालूम नहीं किया। मतलब मतलब ये लफ्जी तर्जुमा है या उनका अकीदा है ऐसा? तर्जुमे में है, ये तर्जुमा उनका है या उनका अकीदा ऐसा है जिन्होंने तर्जुमा किया है? अकीदा होगा तभी तो तर्जुमा किया होगा ना। अच्छा, अकीदे के बगैर तर्जुमा कौन करेगा कोई? जी, मतलब जिन्होंने ये किया अल्लाह अभी मालूम नहीं किया, तो उससे मतलब ये हुआ कि उनका अकीदा ऐसा है, तो क्या है जब काफिर है जी? तो उनका ऐसा अकीदा है तो क्या काफिर है वो? अच्छा, कोई ये कहे कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने अभी देखा ही नहीं इब्राहिम भाई, सब्र करने वालों को, इब्राहिम भाई सब्र करने वाले को, जिहाद करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने देखा ही नहीं इब्राहिम भाई, अब अल्लाह तबारक व तआला तो सब कुछ देखता है इब्राहिम भाई। अरे मेरे प्यारे इब्राहिम भाई, बोलो। मैं बोला उनका तर्जुमा है मतलब उनका अकीदा ऐसा है ना? अरे भाई अकीदा होगा जब उसका तर्जुमा किया होगा ना। कौन से पारे में ये जी? कौन से पारे में है? कौन से पारे में? कौन से पारे में है यू? हाँ सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान में जरा बताए ना मुझे, ऊपर से पढ़ना कौन सी आयत है सूरह आले इमरान में? चालू रखो भेज रहा हूँ, पढ़ लो। जी चालू रखो। सूरह आले इमरान ने ऐसा अकीदा बयान किया है उनका? आपकी तहकीक बहुत अच्छी है, तो आपसे गुफ्तगू करने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ज़रा उसके उसके ऊपर की आयत पढ़ देना, आले इमरान ने कहा ऐसा? करे करे चले चलो चलो देखते हैं। इब्राहिम भाई बहुत अच्छी माशाल्लाह महारत के मालिक हैं इब्राहिम भाई। अहमदाबाद के हैं आप? क्या इब्राहिम भाई क्या हुआ? भेज रहा हूँ ना मैं। हाँ निकाल दे तो इतनी जल्दी क्या है जी? कौन से नंबर है तुम्हारे? भेजो जिन्होंने क्या उनको भेजना। जरा पढ़ दो ना, पढ़ दो ना, पढ़ दो ना। जी तर्जुमा भेज दिया आपने? तर्जुमा भेज दिया। कहाँ दिखाओ जरा, नहीं आया मेरे पास, नहीं आया मेरे पास, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास आपके पास नहीं आया क्या? बन ही नहीं सकता, दोनों पहुंच चुके हैं। कहाँ? हाँ देखो रुको, हाँ हाँ देखा है। हाँ जरा पढ़े ना कौन सी है, क्या है? हाँ पढ़िए पढ़िए। कहाँ है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ो ना आप। नहीं दिखाई दे रहा, आप पढ़ो ना कहाँ पे? 142 आयत नंबर 142 चल आखिर में देखो। हाँ क्या है जरा पढ़ो ना, क्या है? क्या तुमको ये ख्याल है कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में? हाँ हालांकि अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने वाले तुम
और मालूम नहीं किया के आयत कौन सी आयत पढ़ो ना, आयत पढ़ो ना, कौन सी आयत है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, आयत पढ़ो, कौन सी आयत है? इब्राहिम भाई, 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 जरा जरा पढ़ दो ना, जरा पढ़ दो ना। अरे तुम पढ़ो जल्दी, मैं पढ़ो पहले। भाई आयत कौन सी पढ़ो ना, वो दिखाई नहीं दे रहा, आयत पढ़ो ना, आयत अबू आयत पढ़ो ना। पहले तुम तर्जुमा तर्जुमा बोलो दोनों, मैंने तर्जुमे की बात की है ना। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, मैंने आयत रख दी, आयत रख दी, तर्जुमा रख दिया। इब्राहिम भाई तर्जुमा बोल, तुम्हारी जबानी तर्जुमा बोल के बताओ। इब्राहिम भाई हाँ जी, जब आप आयत नहीं पढ़ेंगे मुझे कहाँ समझ में आएगा कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? अब जरा आयत पढ़ देना। तर्जुमा पर के तर्जुमा में मैंने क्या पूछा है तुमको इब्राहिम भाई? के भाई जो ये आयत से मालूम नहीं किया अल्लाह ने, हाँ वो तुम्हारे सामने तर्जुमा है। कौन सी आयत जरा पढ़ दो, पढ़ के मुझे सुनाओ तर्जुमा बोलो। इब्राहिम भाई हाँ जी, जरा आयत पढ़ दो ना, कौन सी आयत? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप आयत पढ़ दो। अरे आयत, अरे तर्जुमा के सामने आयत है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है क्या? नहीं, आयत पढ़ेंगे तो ना कि समझो कौन सी आयत कहाँ पे है। अरे पढ़ना नहीं आता है तो बकवास करने क्यों आते हो? अरे पढ़ने आता है लेकिन जब आप आयत पेश करेंगे तो भी पढ़ेंगे ना इब्राहिम भाई? आपकी जबानी कहलवाना चाहता हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िए और तर्जुमा कीजिए। जी इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, आप मैंने दावा किया था वो दलील मैंने तुम्हारे सामने रख दी। जी अच्छा अच्छा, तो ये आपके नज़दीक कुफरी अकीदा है? देखें ये आपके नज़दीक एक कुफरी अकीदा है क्या? आपकी नज़र में नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ इसलिए नहीं है माशाल्लाह। ये अच्छी बात, आपने सवाल अच्छा किया है। ये देखें ये कन्जुल ईमान है, कन्जुल ईमान पारा, इब्राहिम भाई, 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 जरा जरा इब्राहिम भाई, जरा आराम से, ये अकीदे की बात है, कुरान की बात है, इस तरह बेसब्री करेंगे तो। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, जी जी जी, नहीं आपने कहा कि ये कुफर है, मैं बोला कुफर नहीं है, आपने कहा कैसे, तो वही जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं मुझे, मेरी आप सुन रहे इब्राहिम भाई, ताकि आइंदा आप ये एतराज़ सुन, आइंदा कभी एतराज़ करके आप फंस ना जाएं या किसी पर फतवा लगा कर आप खूब खुद सुनो ना। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इधर देखें ये मैं पढ़ रहा हूँ सुने, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اور بے شک ہم نے اس سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا یعنی اللہ ابھی تک دیکھا نہیں ہے वो आयत नहीं, आयत नंबर 142 जो मैंने लिखी वो आयत का तर्जुमा पढ़ो क्या? हाँ अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक, खामोश रहो अब इब्राहिम भाई। जो एक है अल्लाह देखा नहीं अभी देखेगा, काफिर है कि नहीं है? नहीं मेरी बात सुनो, इब्राहिम भाई वो तर्जुमा ये तर्जुमा में कोई फर्क नहीं है, दोनों सही है, दोनों का एक ही माना है। हाँ जी जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है। وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ हाँ क्या तुम ये ख्याल करते हो कि जन्नत में जा दाखिल हो गए, हालांकि क्या है हनूस अब आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, यहाँ कुछ अलग है आप कुछ अलग बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो और उनको देखा जो साबित कदम रहने वाले हों,
वही तर्जुमा कनजुल ईमान में। इब्राहिम भाई पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ सुनो इब्राहिम भाई सबर सर यार इब्राहिम भाई। हाँ जी वही तर्जुमा कनजुल ईमान में आपके आला हजरत ने किया है, बताओ। अगर वो काफिर है तो ये भी काफिर हैं, कहोगे काफिर इनको इब्राहिम भाई उसी तर्जुमा पर हमारे कब्र काफिर, यहाँ पे आपके आला हजरत काफिर क्यों नहीं हो रहे हैं इब्राहिम भाई? और सच्चों को देखेगा और जरूर झूठों को देखेगा। अल्लाह देखा नहीं अबू जहल, अल्लाह अबू जहल देखा नहीं है, अल्लाह देखा नहीं। हाँ बोलो इब्राहिम भाई अगर आपके आला, सुनो मेरी बात सुनो ना इब्राहिम भाई, चिल्ला इब्राहिम भाई मैंने आपको भेजा है, अब्दुल्ला भेजा उनको, अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला भाई उनको भेजे हो, अब्दुल्ला भाई हाँ तो बोलो ना यार। जी इब्राहिम भाई जरा यार बहुत सब्र से बात करो इब्राहिम भाई, मैं आपको भाई भाई बोल रहा हूँ, आप तो सुनने तैयार नहीं। अगर आपको जी आप बहुत आप सुन नहीं रहे इब्राहिम भाई, दूसरे जगह तर्जुमा गलत किया हो आपके, आपके बकौल वही तर्जुमा दूसरे जगह किया हो तो वहाँ पे काफिर क्यों नहीं? चलो मैंने जो ये आयत पेश किया है वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू, ये एक ये सूरह अनकबूत है, सूरह अनकबूत फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, और बेशक और तू ज़रूर से अल्लाह सच्चों को देखेगा और तू ज़रूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा, यानी वही तर्जुमा जिस पर आप आए, आपने हजरत हामिद लाल की तर्जुमा पर जो तर्जुमा पर जिस तर्जुमा पर काफिर कहा वही तर्जुमा आपके आला हजरत कह रहे हैं कि देखेगा यानी देखा नहीं है। अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह उससे पहले भी देखा है, इंसान के वजूद में आने से पहले भी अल्लाह जानता है उसको, यहाँ पे कह रहा है अल्लाह देखेगा काफिरों को भी और मोमिन को भी। तो बताएं जब यहाँ पे वहाँ पे हजरत थानवी तर्जुमा कर जो काफिर साबित हो गए आपके नज़दीक, अब काफिर कह रहे हैं, यहाँ पे तो आपके आला वही तर्जुमा कर रहे हैं कि अल्लाह देखेगा सच्चों को भी और झूठों को भी, यानी बदर में जाने से पहले, उहद में जाने से पहले, गज़वे खंदक में जाने से पहले, गज़वे तबुक में जाने से पहले अल्लाह उनको देखा नहीं था, अल्लाह वहाँ भेज कर देखेगा। मैं तो कहता हूँ हमारे नज़दीक कुफ्र नहीं है, जब आप फतवे कुफ्र लगा रहे हैं तो आपके आला हज़रत कैसे बचेंगे इब्राहिम भाई? अरे भाई हाँ नहीं मैंने कब कहा आले इमरान का है, मैंने कब कहा वही सुनो इब्राहिम भाई सुनो शांति से बात करो ना समझ में आएगा आपको। सुनो इब्राहिम भाई सुनो शांति आराम से, इब्राहिम भाई आराम से सुनोगे ना बात आपको समझ में आएगी, इस तरह चिल्लाओगे ना। मैंने जो आयत भेजी है वो सूरह अनकबूत पारा 20 है, वो सूरह अनकबूत की आयत है और आयत नंबर 3 है। इब्राहिम भाई इस तरह चिल्लाओगे ना हक समझ में नहीं आएगा। सूरह आले इमरान में हमारे वहाँ जो तर्जुमा किया है आपके आला हजरत कहीं दूसरी जगह पर वही तर्जुमा कर रहे हैं तो वो काफिर क्यों नहीं? जरा मुझे जवाब देना, आप जवाब देना। वो तर्जुमा पढ़ लिया ना मैं आपको सुना दिया ना इब्राहिम भाई, आपको सुना दिया ना पढ़ के, मैं फिर सुनाऊँ सुना रहा हूँ, सूरह आले इमरान सुना रहा हूँ। अम हसिबतुम अन तदखुलुन, अरे पढ़ रहा हूँ यार कुरान, अरे कुरान पढ़ रहा हूँ, आले इमरान ही पढ़ रहा हूँ, आपको तो कुरान पढ़ नहीं आता, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आता आपको, आप कुरान को अरे सुनो ना वहीं से पढ़ रहा हूँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे पढ़ रहा हूँ यार, खामोश करो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदू मिनकुम वयअलमस साबिरीन। हाँ, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि जन्नत में जा दाखिल हो गए, हालांकि हुनूज अल्लाह ताला ने उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो, और ना उनको देखा जो, देखने से मतलब आजमाइश इम्तिहान है। अल्लाह ने उनको आजमाइश नहीं की, अल्लाह ने उनको जांचा नहीं है। जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो आप उसका बोल रहे हैं, वो तर्जुमा करूँ मैं, वो तर्जुमा मैं करूँ? अरे अरे इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इब्राहिम भाई, इब्राहिम एक इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, आराम से यार, आराम से यार। आप भी बीवी बच्चे वाले हैं, आप इतने बेसब्र क्यों हैं? क्या शादी नहीं किया आपने? आपके बच्चे नहीं हैं, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, क्या इतने परेशान क्यों हैं? जरा सुनिए, इत्मीनान से बात करें यार, ये कुरान की बात चल रही है। अरे अरे मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आपने जो जिस तर्जुमे पर आपने एतराज़ करे काफिर कहा है, वही तर्जुमा आपके अलावा दूसरी आयत में कर रहे हैं। वही आयत होना ज़रूरी नहीं है, दूसरी आयत में वही तर्जुमा कर रहे हैं कि अल्लाह देखेगा या देखा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला अबू जहल को, अबू लहब को, या अम्बिया को, सहाबा को जिहाद में पहले से, जिहाद में भेजने से पहले देखा नहीं है, जिहाद में जाएंगे वो देखेंगे। इससे मुराद, देखने से मुराद यहाँ आजमाइश है, यहाँ इम्तिहान है उनका, कि वो अल्लाह उनको आजमा कर देखेगा, आजमा कर अल्लाह आजमाएगा उनको, अल्लाह उनका इम्तिहान लेगा कि साबित कदमी रहते कि नहीं रहते। ये अल्लाह तबारक तआला मकसद है, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। लफ्ज़ी तर्जुमा पर अगर आप कुफ्र का फतवा लगाएंगे, आपके आला हजरत कहाँ कहाँ फंसेंगे आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। वहाँ से पढ़ूँ? अच्छा, कौन सी कौन सी कौन कौन सी आयत, कौन सी आयत पढ़ दो आप, जरा आयत पढ़। मैं तो पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे, आयत जरा पढ़ दो आप, कौन सी आयत जरा आप पढ़ दो, आप जरा पढ़ दो ना, कौन सी आयत जरा पढ़ दो आप, अरे आप जरा पढ़ो ना, कौन सी आयत। अच्छा चलो चलो, मैं पढ़ चलो, मैं भेजता भी हूँ, और जरा आप जरा मुझे सर समझा देना, आपके आला ने तर्जुमा किया है, वो तर्जुमा का लफ्ज़ी जुमला कहाँ पे है, लफ्ज़ी जुमला बताएंगे मुझे आप। मैं यहाँ भेज रहा हूँ आपको, मैं आपको भेज रहा हूँ, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा कहाँ पे है जो आपके आला ने तर्जुमा किया है, वो जरा मुझे आप समझाएंगे। ये इम्तिहान लिया, ये भेज रहा हूँ, एक कंजुल ईमान का वही आयत, कंजुल ईमान से वही आयत मैंने भेजा है। देखें, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ। क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे, और अभी अल्लाह ने, कंजुल ईमान पढ़ रहा हूँ मैं, अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान न लिया। यहाँ इम्तिहान जो आप, जी 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 जी, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जी 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 जी। इब्राहिम भाई बोलूँ मैं, इब्राहिम भाई बोलूँ मैं, इब्राहिम भाई बोलूँ मैं, इब्राहिम भाई बोलूँ मैं, बोलूँ मैं इब्राहिम भाई, मैं बोलूँ इब्राहिम भाई, बोलूँ मैं इब्राहिम भाई, बोलूँ बोलूँ इब्राहिम भाई, मैं बोलूँ, अरे बोल रहा हूँ इब्राहिम भाई, ऐसी बातें ना करो, बदतमीजी ना करो, अदब से बात करो। इब्राहिम भाई, यहाँ कुरान पाक में आया था या आलम, इब्राहिम भाई कुरान पाक, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई कुरान में है या आलम, वलम्मा या आलम अल्लाहुल्लज़ीन, तो या आलम का मतलब क्या होता है, जानना होता है या इम्तिहान होता है, जरा बताए ना मुझे। कौन सा, कौन सी आयत का जवाब दूं? एक काम करो जी, जवाब दूं, जवाब दूं? अरे आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं? अरे जवाब दूं, मैं जवाब दूं, अजान नहीं हमारे यहाँ अभी, जवाब दूं? अरे जवाब दूं, खाली एक बात सुन लो आप, यहाँ जो अब तर्जुमा है,
यालम का मतलब जानना होता है या इम्तिहान होता है, ज़रा मुझे बताएं। हमारे थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यालम का मतलब जानना किया है, आपके आला हज़रत तर्जुमा, ये आपके आला हज़रत ने इम्तिहान किया है। इब्तला का तर्जुमा इम्तिहान होता है। वइज़िबतला इब्राहिम रब्बुहु, तो वहाँ इब्तला का मतलब आजमाइश है, और आपके आला हज़रत ने यहाँ पर यालम का मतलब इम्तिहान आजमाइश इम्तिहान लिया है। बताएं आपके आला हज़रत ने सही तर्जुमा किया है कि हमारे हकीम उलुम्मत रहमतुल्लाह तर्जुमा किया सही, हमारे हकीम उलुम्मत रहमतुल्लाह ने लफ्ज़ी तर्जुमा किया है यालम का मतलब जानना। वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीन, अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों को इम्तिहान न लिया। यालम का मतलब जानना होता है, नहीं जाना ये तर्जुमा होता है। आपके आला हज़रत ने तर्जुमा को बिगाड़ा है, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया है। हमारे थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ी तर्जुमा किया है। लफ्ज़ी तर्जुमा करने पर अगर कोई काफिर होता है तो यालम अल्लाह ने फरमाया है, जानना नहीं जाना अल्लाह तबारक तआला ने। फिर अल्लाह पर हुक्म लगा दो, अल्लाह पर हुक्म लगा दो, लगाओ अल्लाह पर हुक्म। इब्राहिम भाई मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, आप गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ अरबी इबारत में यालम का यालम है, यहाँ इब्तिला नहीं है। वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु हुनालिका इब्तुलियल मुमिनीन, वहाँ भी इब्तिला है, वहाँ इब्तिला का मतलब आजमाइश है, और यहाँ पे यालम है, यालम का मतलब जानना है। यालम यालमु वालमु, ये जानने से मुराद, मतलब जानने का माना में आता है, ये जानने के माना में आता है। तो यालम का मतलब जानना होता है, अगर वही की तर्जुमा कर दिया तो वो तो काफिर हो गए। तुम्हारा आला से तर्जुमा बिगाड़ करके इम्तिहान आजमाइश दे ली, जबकि यहाँ अरबी तर्जुमा अरबी इबारत इब्तिला नहीं है, यहाँ जानना है। आपके आला ने तर्जुमा बिगाड़ा है तो वो काफिर नहीं है। वाह इब्राहिम साहब, गाली देने से फतह पा जाओगे, गाली देने से अपने कुफरिया फतवा को, अपने तुम जो अपने गले पे तौक बनाकर पहन लिए हो, उतार पाओगे तुम? गाली देने से अपने धर्म को हक साबित कर दोगे? गालियाँ देने से तुम्हारे यहाँ फतह मिलता है क्या? अपने मुझे तो बचा लोगे गाली दे करके? भाग गया, कितना बड़ा कमीना है। देखो वही तर्जुमा मैंने उसके कंसुल ईमान से भेजा है, तो वो फतवा नहीं है। कितना तर्जुमा बिगाड़ा है इसके मुजद्दिद ने, हज़रत हकीम उलुम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वर अल्लाह मरकदू, लफ्ज़ी तर्जुमा किया है, या आलम का मतलब तर्जुमा किया है, जो उसका मुजद्दिद ने किया वो जो माना आता ही नहीं। इब्तला वही इब्तला इब्राहिम और हुनालिका इब्तुलियल मुमिनीन, इब्तला वहाँ भी आया है, उसका मतलब होता है इम्तिहान आजमाइश, और इसका मुजद्दिद ने यालम का मतलब जानना होता है उसको इम्तिहान कर दिया है। देखो वो गुस्ताख नहीं है, तर्जुमा बिगाड़ दिया वो गुस्ताख नहीं है। हकीम लोग तो मतलब ने तर्जुमा लफ्जी किया है, गुस्ताख हो गए। इतने बड़े कमीने होते हैं ये लोग। हेलो कुरान पढ़ना नहीं आता है।